हेलो दोस्तों, मैं लवप्रीत ते अज मैं तुहानू टिक टिकी पिद्दी दा अलना विखाऊंगा। दोस्तों, इस चिड़ी नू टिक टिकी पिद्दी इस करके कहा जाता है क्योंकि जो ये उड़ती है तो इस दे निक्के निक्के पंख जिहड़े टिक 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 करते हैं, इस करके इस नू टिक टिकी कहा जाता है। पिद्दी इस करके कहा जाता है, इसका आकार काफ़ी छोटा होंदा है जिसनों के आप पंजाबी पिद्दी कह देंदे हाँ। सो इस करके इस नू टिक टिकी पिद्दी कहा जाता है। दोस्तों, इस पंछी का जिहड़ा अलना है अक्सर ही पठ्ठियां दे विच वेख्या जाता है, जिवें कि बाजरे दे विच, मक्की दे विच, ज्वार दे विच। सो दोस्तों, यह आ इस पंछी का अलना, मैनू अमरूद दे रुख ते दिसिया। दोस्तों, तुसी वेख सकदे जो कि किस तरह इसने एक दर्जी वांगू पत्तियां नू सीता पिया, किन्ने वधिया तरीके नाल, जाने कि पूरी सेफ्टी नाल जिहड़ा अलना पाया गया। सो यह बहुत ही कारीगर पंछी जो कि एक सोहना अलना बनाउंदा है। दोस्तों, आलने का मूँह काफ़ी भीड़ा है ता कि इस दे विच कोई शिकारी पंछी ना वड़ सके, मीह हनेरी तो जदों ये आलना हिले तो ये आंडे ना डिग सकन। सो दोस्तों, हुण आपां इहदे विच निगाह मार के वेखदे हां कि इहदे विच किन्ने कु आंडे आ। दोस्तों, तुसी वेख सकते हो इस दे विच पंज आंडे आ, नीले रंग दे ते उत्ते काले रंग दे जिहड़े धब्बे बने हुए आ। दोस्तों, आलने का मूँह काफ़ी भीड़ा होण करके आ जिहड़ा मोबाइल का लैंस आ जिहड़ा कैमरे का, वह सही तरह अंदर नहीं जा रहा। सो मैं कोशिश कर रहा हाँ कि मैं इन्हां नूं शूट कर सकां। दोस्तों, पहलां जदों नरमे की फसल काफ़ी हुंदी सी तां इस दे आंडे आम ही वेखे जांदे सीगे। हुण जिहड़ा नरमे की फसल आ काफ़ी अलोप हो गई आ मेरे पिंड दे कोलों, ते मेरे इलाका जिहड़ा सारा इहदे विच्चों मतलब कि नरमे की फसल अज बहुत घट देखी जांदी आ। जिन्हें नेड़े नेड़े दे पिंड किसी विच भी नरमे की फसल हुण नहीं हुंदी, बहुत घट हुंदी आ। सो इस करके आ जिहड़ा इस पंछी ने आ अलोप होना शुरू करता सीगा। सो अज 10 सालां बाद इस दे आंडे वेखण दा मौका मिलिया। पहलां की सीगा कि नरमे की फसल होण दे नाल नाल काफ़ी जिहड़े सीगे पंछियां दा प्रवास हुंदा सीगा, जिवें कि बोधी वाली चिड़ी हो गई, तिलियर हो गया, ए चिड़ी हो गई, दब पिद्दी हो गई, टिक टिकी पिद्दी हो गई। सो दोस्तों, अज फिर तो एक बारी मौका मिलिया इन्हां आंडियां नूं वेखण दा। जेकर इत्थे फिर तो नरमा होण लग जावे तां इत्थे मतलब कि फिर काफ़ी पंछियां दी भरमार हो जाएगी, ते पहलां जिहड़ियां प्रजातियां अलोप हो चुकियां हन उह फिर वेखण नूं मिलणगियां। सो दोस्तों, तुसीं वेख सकदे जो इस दे आंडे। सो इह वीडियो दा पहला भाग आ, मैं इस नूं शूट करदा रहूँगा। जदों इस दे बच्चे भी निकल आए मैं उदों भी शूट करूँगा। बस यही आ कि मीह नेरी आउण करके जां किसी होर वजह करके जिहड़े आंडे ना टुटण, आलना आलने नूं कोई नुकसान ना आवे। सो यही दुआ कि यह पंछी जिहड़ा वधिया आपदे बच्चों नूं कढ सके ते उहनां नूं असमान दे विच उडारी लगवा सके। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।